स्टोन पेपर सीजर। ओके गाइस, मैंने पेपर चूज करा, आप लोगों ने क्या चूज करा था? स्टोन। अगर आप लोगों ने स्टोन चूज करा था तो डेफिनेटली ये सब बकवास मुझे बंद करना चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूँ बोल और मैं हूँ बनी, और जैसे कि देख सकते हो बोल भाई का ये सूट आयरन मैन वाला सूट नहीं है। हाँ गाइस, ये मेरा आयरन मैन वाला सूट नहीं है गाइस, मैंने इसको खुद से गाइस खुद से बहुत मेहनत करके डाइस बना के इसको पेंट कराया, आयरन मैन की तरह थोड़ा सा लुक दिया है, ठीक है। एंड गाइस, हम लोग इधर क्यों हैं? क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे अपना ब्लेजिंग है और यहाँ पे अपना स्पेक्ट्रल डायर बियर है, मेरे पास एक स्पेक्ट्रल सेबर टूथ भी है, आप लोगों को शायद से पता होगा। एंड स्पेक्ट्रल क्या है आप सभी भाइयों को पता होगा क्योंकि आप सभी भाई लोग मेरे को फॉलो करते आ रहे हो बहुत दिनों से, ठीक है। स्पेक्ट्रल मतलब इनविजिबल ही बोल सकते हो, ठीक है। इन लोग के पास कुछ कुछ खासियत होते हैं, कहीं कहीं मतलब अलग एबिलिटीज होते हैं, जैसे कि सेबर टूथ टाइगर के पास ये एबिलिटी है कि वो बहुत ऊंचा कूद सकता है, ठीक है। एंड गाइस, ये है गाइस, देख सकते हो गाइस मेरे पास एक काइजू जैगर है, ठीक है, एक काइजू जैगर है। लेकिन ये चीज है गाइस, ये है एंटी काइजू जैगर, मतलब गाइस काइजू जैगर को रोकने के लिए इस चीज को बनाया गया था। लेकिन गाइस, मैं हूँ बोल्ड, तो आप सभी भाइयों को दिखाने के लिए मैंने इसी को टीम कर डाला। अरे वाह, तूने ये कैसा किया, मेरे को बोलना बोलना, मेरे को बोलना, तेरा पोल खोलना है। अरे चुप हो जा भाई, हर वक्त पोल खोलना जरूरी है क्या? ऑलराइट गाइस, तो इधर से निकलते हैं और एक बहुत ही बढ़िया वाला चीज दिखाएंगे। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया डायनासोर अभी फाइंड कर पा रहा हूँ, और क्यों? इसके वजह से गाइस। और गाइस, ये क्या चीज है गाइस? ये एक गाइस एसएस टैग ट्रांसमीटर है, और इससे क्या होता है गाइस, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस? पहली बात तो इससे हम लोग गाइस दूसरे दुनिया में जैसे जाएंगे गाइस, हम लोग जब ये दुनिया कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हम लोग अभी आइलैंड मैप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आइलैंड मैप जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा, मैं सारा का सारा डायनासोर उठा के, ओके, सारा का सारा डायनासोर उठा के मैं दूसरे मैप में उन लोग को डाल दूंगा, और साथ ही मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है। हम लोग डायनासोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, ऑसम चीज है। एंड इसके मदद से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। और गाइस क्या कर सकते हैं, आप सभी भाई को दिखाता हूं, डायनो स्कैन बोल्टे ब्रो, डायनो स्कैन, इसको इग्नोर करो, ठीक है, ऊपर ये जो आ रहा है अनलेस यू प्रिवेंट हाइबरनेशन, ये सब इग्नोर करो, ठीक है। एंड मैं अभी आप सभी भाई को दिखाने वाला हूं, यहां पे देख सकते हो कितने सारे डायनासोर्स के बारे में लिख के आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहां पे नीचे ये सब डायनासोर्स क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, बट गाइस देख सकते हो ऊपर की तरफ कितने सारे डायनासोर्स के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे टॉक्सिक मेगालोडन फाइंड करना है तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सब कुछ है, लेवल 180 का टॉक्सिक मेगालोडन इधर आसपास में है, देख सकते हो गाइस इधर है वो टॉक्सिक मेगालोडन, ठीक है। और इसके मदद से आज मैं बहुत ही बढ़िया चीज टेम करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डोडो रेक्स भी है, डोडो रेक्स तो पास में ही है ब्रो, गाइस डोडो रेक्स तो पास में ही है, एक मिनट, लैटिट्यूड 85 और लॉन्गिट्यूड 83, तो गाइस एक डोडो रेक्स है क्या पास में? एक मिनट गाइस, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, देख सकते हो मैं इधर हूँ, तो मुझे इस वाले कोने पे जाना पड़ेगा, इस वाले कोने में जाना पड़ेगा, एंड उधर ही है वो डोडो रेक्स, तो गाइस लेट्स गो। अरे तू क्या अभी उड़ के जाएगा? अरे कौन बोल रहा है उड़ के जाएंगे ब्रो, अभी मैं अपने डायनासोर्स को लेकर के जाने वाला हूँ। एंड गाइस, आज का मेरा मेन मिशन ये है कि आज मुझे बहुत सारे सेलिस्टियल डायनासोर्स पकड़ने हैं, ठीक है, बहुत सारे सेलिस्टियल डायनासोर्स पकड़ लेंगे। एंड गाइस, ये सूट सही में आयरन मैन सूट की तरह है ना गाइस? एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक प्राइमल रैप्टर है, एंड वो क्या चीज़ है भाई, वो क्या चीज़ है, एक मिनट, मेरे को एक अलग चीज़, ये तो गाइस प्राइमल रैप्टर है, ओ ये ओरिजिन रैप्टर है, अच्छा नॉट टेमेबल, ओह सेबर टूथ गाइस, सेबर टूथ है यहाँ पे, एक स्पेक्ट्रल सेबर टूथ है जैसे कि देख सकते हो, कहाँ पे चला गया वो, ओह व्हाट गाइस, ये स्केलेटन रैप्टर है, देख सकते हो गाइस ये एक स्केलेटन रैप्टर है। और ये लोग अभी क्यों ये इधर आ रहे हैं भाई, मेरे साथ पंगा मत लियो, ठीक है, मेरे पास अभी शॉर्ट गन है, ले, अरे भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है भाई, ये ले भाई, मेरे साथ पंगा मत ले भाई, ए भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैं बाल बाल बचा ब्रो, बाल बाल बचा ब्रो। A few minutes later, guys मैं बाल बाल बचा, लेकिन ये क्या चीज है भाई, एक मिनट, एक अलग चीज मेरे को दिखाई दे, what is this? उर्सा मेजर्ड बिग बियर, मतलब guys यहाँ पे एक बॉस है जिसको मैं टेम कर सकता हूँ, what is this? ये क्या चीज है भाई, ये बियर्स को स्पॉन कर रहा है जैसे कि देख सकते हो, एक मिनट आप सभी को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये बियर स्पॉन कर रहा है guys, इस वाले चीज को मुझे टेम करना पड़ेगा, एक मिनट, टेम करने के लिए क्या काइजू सेल चाहिए क्या, अच्छा काइजू सेल चाहिए, इसको तो गाइस मैं अभी आराम से टेम कर पाऊंगा, आप सभी भाई को दिखाता हूँ। एंड गाइस, बहुत दिनों से एक भाई मेरे को बोल रहे थे कि बोल भाई आप क्यों ओरिजिन डर्ट नहीं बना रहे हो, तो ब्रो आपके लिए मैं आज ओरिजिन डर्ट से इसको मारने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बियर्स मेरे को चेस कर रहे, लेकिन उस वाले को मुझे मारना पड़ेगा, यस लगाया उसके ऊपर, नहीं लगा क्या,
अब लगाना, अब लगा गाइस, इसका तौर पर इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं गाइस इसका तौर पर क्या। अरे देखने में तो गाइस आप लोगों ने देखा ना, ये मतलब डार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग ये है, ये एरो है उतना स्ट्रांग ये डार्ट है नहीं, तो मुझे ये एरो ही यूज करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अभी एक चीज ही करना पड़ेगा, ठीक है, बॉस को मारना पड़ेगा, ये है बॉस। ओके मैंने खींचा, अब तो लगा गाइस, बॉस के ऊपर लग गया। अब देख सकते हो गाइस ओरिजिन एरो का कमाल देख सकते हो गाइस, आप लोग देख सकते हो, बस आप लोग तौर पर पे नजर रखो, ठीक है। मैंने ओरिजिन डार्ट भी यूज किया था लेकिन गाइस कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही गाइस मैंने ओरिजिन एरो यूज किया इसका तौर पर सीधा इंक्रीज होने लगा एंड ये गाइस अभी बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये तो बेहोश हो जाएगा गाइस, ये तो बेहोश हो जाएगा, लेकिन गाइस इसके पास जितने भी अभी बियर्स है मैं कैसे जाऊंगा वो सोच रहा हूँ। अरे तेरे को इन बियर्स को मारना पड़ेगा यार। अभी गाइस मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन सभी को मेरे पीछे लेकर के आ रहा हूँ, देख सकते हो कितने सारे हैं ब्रो। नहीं सर, अरे भाग ले, तेरे को मार देंगे यार। गाइस देख सकते हो इन लोग को इस तरफ लेकर के आता हूँ, देख सकते हो भाई सब कितने सारे हैं ब्रो, व्हाट इज दिस। ओ गाइस ये लोग ब्रोंटोसॉरस के साथ फाइट करने वाले हैं। ओ नो गाइस ये लोग ब्रोंटोसॉरस को एक ही बार में मार देंगे, जैसे कि देख सकते हो मार देंगे गाइस 100% मार देंगे, मार देंगे मार देंगे। यस गाइस ब्रोंटो मार रहा है, गाइस ब्रोंटो मार रहा है, उल्टा ब्रोंटो मार रहा है, मार ब्रोंटो इन लोग की सिकट टेस्टी कर दे ब्रोंटो मार। गाइस देख सकते हो ब्रोंटो क्या ही मार रहा है, वो ब्रोंटो कितने सारे बियर्स को मार दिया ब्रो, मैं कैसे मर गया। Say what? मैं कैसे मर गया यार, पता नहीं गाइस मैं कैसे मर गया था, लेकिन देख सकते हो अभी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं आराम से अभी अपने फायर ग्रिफिन के ऊपर बैठ करके जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कल वाला एपिसोड चेक नहीं करा था तो डेफिनेटली आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ये वाला फायर ग्रिफिन पकड़ा था। ओ गाइस इसने तो सारे के सारे बियर्स को मार दिया ब्रो। ओके गाइस टेंशन मत लो, मैं सारे के सारे को मारने वाला हूँ। अब मेरे पास फायर ग्रिफिन है तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं। अभी तक बॉस ये सोया पड़ा है कि नहीं, ये उठ गया, नहीं अभी तक सोया पड़ा है। एंड यहाँ पे और बियर्स हैं क्या, यहाँ पे और बियर्स तो है नहीं। ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आराम से मैं खिला सकता हूँ अभी काइजू जी सेल्स, देख सकते हो। एंड और एक चीज़ करेंगे, मुझे वो ये वाला ब्रैकियोसोरस भी चाहिए, तो मैं इसको टेम करने वाला हूँ। आज मेरे सामने जो डायनासोर आ जाएगा मैं उसी को पकड़ने वाला हूँ, देख सकते हो ओरिजिन दर्द डोडो लगा। अब ये मेरे को मारने आया है, देख सकते हो अब ये मेरे को मारने के लिए आया है, लेकिन ये तो बेहोश ही हो जाएगा, ठीक है। आज दिन का शुरुआत देख रहे हो गाइस, आज वीडियो का शुरुआत में ही गाइस मैंने एक बॉस को और एक बड़े से ब्रैकियोसोरस को पकड़ लिया है, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला हूँ। इसको तो फेबल केबल खिलाना है और मेरे पास फेबल केबल वेबल सब कुछ है, और इसको तो एडवांस काइजू जी सेल चाहिए तो वो भी है मेरे पास, तो कोई टेंशन नहीं है गाइस, डू नॉट वरी। और गाइस देर नहीं करेंगे, ठीक है, और देर नहीं करेंगे, ग्रिफिन तो थोड़ा वेट कर ले। एंड गाइस जा करके फिर से यार ये आर्मर बनाना पड़ेगा, इन देख सकते हो भाई, देख सकते हो ये चीज़ काफ़ी खतरनाक, ये है क्या कैलिस्टो द फॉर्मर हंटर। ऑल राइट गाइस जी सेल्स ये है गाइस, इसको तो 28 चाहिए तो मैं इसको 30 दे देता हूँ, ठीक है, इसको 30 दे देता हूँ, 28 चाहिए इसको, 28 चाहिए काइजू जी सेल्स, बट आई एम गिविंग हिम 30। और साथ ओ ये खा रहा है जैसे कि देख सकते हो गाइस, एंड इसको टेम हेल्पर भी कंज्यूम करा देता हूँ। ऑल राइट गाइस टेम हो रहा है, 18.1% हो चुका है। गाइस देख रहे हो मेरे टीम में क्या आ गया, गाइस देख रहे हो मेरे टीम में क्या आ गया। ओ गाइस एक मिनट, एक चीज मेरे को अभी समझ में आया गाइस, आई थिंक ये बियर गॉड है, ठीक है, ये एक बियर गॉड है गाइस, क्योंकि गाइस देख सकते हो ये बड़े बड़े बियर्स को स्पॉन कर रहा है, और ये बड़े बड़े बियर्स एक मिनट एक चीज देखना है, अगर मैं इन लोग को काटूंगा तो क्या मिलेगा। ओ रॉ प्राइम मीट और पेल्थ ही मिल रहा है गाइस, वहां पे एक स्केलेटन रैप्टर भी है, लेकिन मैं उस स्केलेटन रैप्टर की ऐसी की टेस्टी करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे को भाई लोग बोल रहे थे कि बोल भाई ये वाला बना लो लॉन्सर, तो जय श्री राम। ओ नो आजा ओ नो गाइस खतरनाक चीज होने वाला है। तो गाइस मैं ग्रिफिन के ऊपर चढ़ गया हूँ, अब कहाँ पे चला गया वो, अब आ जा स्केलेटन रैप्टर तेरी, ये ले फाइट करेगा, आ जा मार दिया, ग्रिफिन के साथ पंगा लेता है क्या ब्रो, और वो भी एक फायर ग्रिफिन के साथ, और इसका क्या सीन हो गया चलो देखते हैं। ओके टेम हो रहा है गाइस, टेम हो रहा है, 57.8% हो गया। ओके खा ले टेम हेल्पर, और एक खा ले भाई, अब खा क्यों नहीं रहा है ये, जल्दी से खा ले मेरे भाई, 57.8% में ही अटका पड़ा है गाइस। ओके खा रहा है 61.4% हो चुका है जैसे कि देख सकते हो।
ओ भाई यार, ये तो काफी खतरनाक चीज है यार। हेल्थ कम है गाइस, हेल्थ पे मत जाओ, ठीक है। 190 लेवल है इसका हेल्थ, लेकिन गाइस ये अल्टीमेट लेवल में स्पॉन करता रहेगा बड़े बड़े बियर्स को। ओके गाइस, जब तक के ये टेम होता है तब तक के मैं ब्रैकियोसॉरस को खिला के आता हूँ। ओरे मैं तो एक चीज़ भूल गया, अभी तो मेरे पास टैग सूट नहीं है ना कि मैं उड़ के जा सकूँ, तो मुझे ग्रिफिन को लेकर के जाना पड़ेगा गाइस। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ चलो गाइस, कहाँ पे है अपना ब्रैकियो? ये रहा गाइस अपना ब्रैकियोसॉरस, फेबल्ड गाइस, ठीक है, फेबल। एंड 38 खिलाना पड़ेगा इसको फेबल केवल। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड गाइस ये कितना ताकतवर है आप लोग खुद ही देख सकते हो गाइस। इतने बड़े उर्सा बियर्स को इसने अकेले में मार दिया, ठीक है, तो ये कमाल का चीज़ है। तो चलो गाइस इसको भी खिला देते हैं 38 फेबल केवल। ऑल राइट, इसको 38 चाहिए। मेरे पास कितना है? मेरे पास 100 है, तो आराम से इसको 40 दे देता हूँ, ठीक है, 40 दे देता हूँ। ओके, स्प्लिट नहीं हुआ क्या? क्या हो गया? आराम से इसको 40 दे देता हूँ। ये ले भाई, जल्दी से खा ले, और साथ ही साथ टू टेम हेल्पर भी ले ले, ये इनटू 200 टाइम्स, ये बहुत बढ़िया होगा गाइस। कंज्यूम कर ले और ये दे दे मेरे को। ओके गाइस, देख सकते हो 16% तो ऑलरेडी टेम हो चुका है, 18.7% हो गया, 21.3%। एंड गाइस आई थिंक वो वाला जो बॉस बियर है वो तो शायद से अभी तक टेम हो ही चुका है। ओ ये तो बहुत फास्ट तरीके से टेम हो रहा है जैसे कि देख सकते हो। एंड गाइस काफ़ी बड़ा है ये ब्रैकियोसॉरस, काफ़ी बड़ा है गाइस, फेबल्ड है ना, इसलिए गाइस फेबल्ड है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ, अरे वाह, यहाँ पे टैग फिश है जैसे कि देख सकते हो। एंड गाइस आज एंड में आप सभी भाइयों को जुरासिक पार्क का एक झलक दिखाने वाला हूँ, बस एक छोटा सा झलक, ठीक है, आप लोग देखिएगा। ओके गाइस, फाइनली मैंने फेबल ब्रैकियोसॉरस को टेम कर लिया। इसका नाम रखेंगे शाइनी, शाइनी रखेंगे इसका नाम, ठीक है, क्योंकि सुंदर है। एंड मैं क्या बोल रहा था गाइस, आज एक झलक दिखाने वाला हूँ, एक छोटा सा झलक। और गाइस जब 6 लाख सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तब तो गाइस आप लोग को पूरा थोर ही दे देंगे गाइस, क्योंकि वहाँ पे कमाल के खतरनाक वाले डायनासोर्स हैं, ठीक है। एंड इसका क्या सीन है ब्रो? 61.4% में ही है ये अभी तक। अरे बग्स बनी, तू इधर कैसे पहुंच गया था? अरे जब तेरे को इधर मारा था ना तो मैं पानी के अंदर छुप गया था। अरे बग्स बनी तू तो काफी ओपी है। एंड ये अभी तक टेम ही नहीं हुआ है क्या? अरे अभी तक टेम ही नहीं हुआ है यार बग्स बनी, अभी क्या ही कर सकते हैं यार, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है यार, बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है गाइस। अब कितना परसेंट हो गया है देखते हैं। अरे अभी तक 72.3% ही टेम हुआ है गाइस, अभी तक 72.3% ही टेम हुआ है। 2000 years later। ओए बोल बोल, मेरे ऊपर से हट जा यार, मेरे ऊपर से हट जा, सोने दे यार। अरे उठ जा यार, टेम हो चुका है। अरे किसने बोला यार टेम हो चुका है? अरे पीछे मुड़ के देख, पीछे देखो पीछे। सही में क्या? ओ गाइस ये तो टेम हो चुका है यार। ओ गाइस ये हो गया है। ओ नो गाइस, ये हो तो गया है लेकिन इसका नाम क्या देना चाहिए गाइस? इसका नाम क्या देना चाहिए? कोई नाम है क्या आप सभी भाइयों के मन में? अगर इसके लिए कोई नाम है तो गाइस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मेरे माइंड में तो अभी कोई नाम है ही नहीं, लेकिन इसके लिए जो नाम देना पड़ेगा तो गाइस आप लोग सोच समझ करके देना, क्योंकि गाइस ये एक बियर है, ये एक बियर बॉस है, बियर किंग वो सब नहीं, ठीक है, कोई अच्छा वाला मतलब जैसे गाइस पोकेमन में एक बियर पोकेमन है पेंगोरो, ठीक है, और उसी की तरह गाइस एक अनकॉमन क्रीचर का नाम आप लोग सोच समझ करके मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मैं इसका नाम वही रखने वाला। तो चलो इसको ले लेते हैं और अपने फायर ग्रिफिन के ऊपर अभी बैठ लिया, और अभी चलो घर चलते हैं। और गाइस जैसे कि कल हमें एक चीज मिल गया था गाइस, इंडोमिनस रैक्स स्पॉनर, और इस बार गाइस वो टेमेबल होगा, ठीक है। लेकिन गाइस इंडोमिनस रैक्स स्पॉनर से हम लोग स्पॉन तो कर लेंगे, नो टेंशन अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन गाइस स्पॉन करने के बाद उसके साथ फाइट करना एक थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मैजिक को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे ड्रैगन्स को स्पॉन कर रहा है। चलो देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे, फिलहाल घर चलते हैं, चलो लेट्स गो। ओह वाओ, ए फ्यू मिनट्स लेटर। ओके गाइस, तो मैं दोबारा से रेडी हो चुका हूं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं इंडोमिनस सेलेस्टियल रैक्स को टेम करने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लान लगाना पड़ेगा। तो मैंने प्लान लगा लिया है, आप लोग को वो प्लान दिखाऊंगा। चलो मैं पहले जाता हूं अपने नियर बाय प्लेग्राउंड में, वहां पे जाकर के आप लोग को दिखाता हूं क्या करेंगे, तो लेट्स गो। अरे तू क्या करेगा मेरे को तो बोल। अरे बोलेंगे, तेरे को तू भी देखेगा और साथ ही साथ मेरे भाई लोग भी देखेंगे, तो लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो जैसे कि देख सकते हो मैं आ गया अपने ये वाले प्लेग्राउंड
पे, तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इंडोमिनस रेक्स को इसी प्लेग्राउंड में स्पॉन करने वाला हूँ। पहले इन दोनों को डाल लेता हूँ बॉल में, क्योंकि ये लोग मर जाएंगे, ठीक है, ये लोग आराम से मर जाएंगे ब्रो। वो इंडोमिनस रेक्स सेलिस्टियल रेक्स गाइस ड्रैगन्स को स्पॉन करता है, और वो भी सेलिस्टियल ड्रैगन्स को, ठीक है। तो मतलब कोई मामूली बात नहीं है गाइस, उसको टेम करना कोई मामूली बात नहीं है। देख सकते हो सामने की तरफ तो एक मेसोफिटेगस है ना, ये कौन सा है देखना पड़ेगा एक मिनट। एक डेमोनिक प्राणी तो है, लेकिन वो कौन सा डेमोनिक प्राणी है देख क्यों नहीं पा रहा हूँ ब्रो। अच्छा बफन नेमलेस है इधर गाइस, देख सकते हो बफन नेमलेस। एंड गाइस मेरे पास बफन नेमलेस नहीं था, तो साथ ही साथ मैं इसको भी पकड़ ही लेता हूँ, लगा इसके शरीर में। ओ बाप रे, मेरा निशाना क्या ही था ब्रो, मेरा निशाना तो कमाल का था गाइस, देख सकते हो। एंड गाइस ये बफन नेमलेस इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है बफन प्रजाति में और एक ऐड हो जाएगा, बट गाइस इतना भी स्ट्रांग नहीं है, बट गाइस काम आएगा, ठीक है, काम तो आएगा गाइस, बफन बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी ये सब मुझे नहीं करना है, अभी मुझे सीधा इधर गाइस अभी स्पॉन करना है। तो गाइस फाइनली अब मैं स्पॉन करने वाला हूँ गाइस। ओके गाइस, तो मैं अभी स्पॉन करने वाला हूँ, एंड मुझे काफी डर लग रहा है, ठीक है, पता नहीं, क्योंकि गाइस एक इंडोमिनस रेक्स है और वो भी सेलिस्टियल, ठीक है, सेलिस्टियल। तो गाइस स्पॉन करते हैं, ठीक है, इन 3, 2, 1 मुझे सीधा भागना पड़ेगा। 3, 2, 1 ओके गाइस, मैंने स्पॉन कर डाला, वो बाहर चला गया यार। अरे गाइस गलत ही सीन हो गया गाइस, मैंने जैसा प्लान किया था वैसा हुआ ही नहीं। ओ नो गाइस, ओ नो, ये अभी ड्रैगन स्पॉन करने वाला है। ओ इसने ड्रैगन स्पॉन नहीं करा है गाइस, इसने ड्रैगन स्पॉन नहीं करा है, तो शायद से मैं इसको टेम कर पाऊंगा। एक मिनट, लगा क्या, अरे मेरा कर्सर क्या हो गया। ओके गाइस, ओ गाइस ये ड्रैगन स्पॉन नहीं कर रहा है, शायद से टेमेबल वर्जन इतना फास्ट तरीके से ड्रैगन स्पॉन नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर लग गया और ये बेहोश होने वाला है गाइस। इतना ईजी था क्या तेरे को स्पॉन करना गाइस, इसको टेम करना बहुत ज़्यादा ईजी लगा मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा गाइस, लेकिन हद से ज़्यादा ईजी लगा, ठीक है। देख सकते हो गाइस, ये तो बेहोश हो ही जाएगा, ये बेहोश हो ही जाएगा गाइस। हुआ 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 हुआ, यस 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 यस, हुआ हुआ, अरे हो जा, यस गाइस, ये देख सकते हो गाइस। और वो क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, एक मिनट, वहाँ पे भी एक चीज़ है, अच्छा स्केलेटल रैप्टर। तो गाइस मैं फाइनली गाइस एक इंडोमिनस सेलिस्टियल रेक्स को टेम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस, चलो करते हैं गाइस। ये है सेलिस्टियल कीबल, तो दे दिया मैंने इसको सेलिस्टियल कीबल, खा रहा है गाइस, जैसे कि देख सकते हो गाइस 14% 22% ऑलरेडी हो ही गया, लेकिन गाइस मुझे संभाल के अभी इसको गार्ड दे के रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कोई वाइल्ड डायनासोर आके इसको खाने की कोशिश करेगा। लेकिन अरे यार मैं बनी को लाना भूल गया यार, बनी को भी दिखाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, बनी को दिखा देंगे अभी, अभी तुरंत घट जाएंगे और बनी को दिखा देंगे। लेकिन गाइस देख सकते हो, ओ टेम हो गया गाइस, टेम हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे गाइस। चलो गाइस एक काम करते हैं, इसका नाम भी आप लोग ही डिसाइड करिएगा। ओ टीरी बाप रे गाइस, ये क्या है गाइस, गाइस ये है क्या, ओ नो गाइस, ए भाई मैं इसके ऊपर अभी नहीं चढ़ सकता हूँ क्या, एक मिनट देखते हैं गाइस। आई थिंक सैडल चाहिएगा, अच्छा सैडल चाहिएगा ना, अच्छा गाइस इसके लिए एक सैडल बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक अलग सा सैडल चाहिए, इसके लिए एक अलग सा सैडल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो बना लेते हैं गाइस। लेकिन देख सकते हो इसका साइज देखो ना ब्रो, इसका साइज देखो ना ब्रो, ओ भाई साहब। चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पहले तो बॉल में डालते हैं और घर के लिए निकलते हैं, लेट्स गो, और बनी को भी निकाल ही लेंगे गाइस। अभी देख सकते हो गाइस मेरे पास कितने सारे मैंने डायनासोर्स को पकड़ लिया है। और गाइस एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, मुझे तो इसको भी लेकर के जाना पड़ेगा ना, इसको भी लेकर के जाना पड़ेगा, बफन नेमलेस, तो इसको लेकर के जाते हैं। देख सकते हो गाइस बफन नेमलेस एक अलग ही प्राणी है, ठीक है, एक अलग ही प्राणी है गाइस, इसका लुक वुक सब कुछ अलग है। एंड देख सकते हो इसके पीछे एक सेलिस्टियल शील्ड है गाइस, ये देख सकते हो, ये सेलिस्टियल शील्ड है, ठीक है। तो गाइस इसको खिलाते हैं, इसको तो यार इसको क्या चाहिए था, स्पेशल केबल, राइट, और ये है मेरे पास स्पेशल केबल, इतना तो नहीं चाहिए, आई थिंक इसको डस्ट दे देते हैं, ठीक है, डस्ट में शायद से ये टेम, अरे क्या कर रहा हूँ यार, ये डस्ट में आराम से टेम हो जाएगा गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दे दिया मैंने। ओके गाइस ये खा रहे, ये और रे बाप रे गाइस, ये फटाक से टेम हो ही गया, तो इसका नाम नेमलेस है ना, तो इसका कुछ नाम देते हैं गाइस, इसका क्या नाम देंगे गाइस, इसका नाम देंगे जामा झंटा, मैंने इसलिए दिया क्योंकि गाइस इसके पीछे एक शील्ड है जैसे कि देख सकते हो, एंड मैं इसका राइड ले सकता हूँ आराम से राइड। अरे क्या हो गया भाई, कोई आया है क्या मेरे को मारने के लिए, अरे या तेरी, ये लोग आए हैं मेरे को मारने के लिए, तुम लोग आके हाँ कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे मेरे को मार के, हाँ ओ बाप रे गाइस, यहाँ पे तो पूरा एक प्रजाति है गाइस, आदिवासी का पूरा एक प्रजाति है, ये ले खत्म,
खत्म बोलते, अभी फाइट करेगा ये ले। ये डोडो भी मर गया ना? नहीं वो डोडो नहीं मरा यार, मेरे साथ कोई पंगा लेता है क्या? बफन नेमलेस है ना मेरे पास, तो गाइज चलो बफन नेमलेस के ऊपर ये ले। अब गाइज देखिएगा ठीक है, इसका पावर दिखाता हूँ आप सभी भाइयों को, एक मिनट इसका पावर दिखाएंगे, एक मिनट इसका पावर थोड़ा सा ये, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब देखिएगा गाइस ये पूंछ से मारता है ठीक है, ये आग वाला, ये बोल सकते हो गाइस फायर टेल ही बोल सकते हो ठीक है। फायर टेल का पावर है, स्क्रैच का पावर है, जेट से कुछ नहीं कटा, एक्स से कुछ नहीं कटा, सी से कटा है गाइस, सी से बस ऐसा रोर जैसा कटता है ठीक है। कंट्रोल एक्स से भी कुछ नहीं कटा, कंट्रोल सी से भी कुछ नहीं कटा। तो गाइस इसके पास इतना पावर्स नहीं है जैसे कि मैंने आप सभी भाई को दिखा दिया, बट गाइस ओ गाइस यहाँ पे तो झोपड़ी वोपड़ी सब कुछ बना दिया। तो मैं क्या बोल रहा था गाइस, इसके पास इतना पावर्स नहीं है लेकिन इसको रख सकते हैं गाइस आराम से। Approximately 10 hours later. तो फाइनली गाइस मैंने इसको सैडल भी पहना दिया जैसे कि देख सकते हो, एंड गाइस ये काफी बड़ा और काफी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो एक चीज मुझे अभी देखना पड़ेगा कि इसका लेवल कितना है ठीक है, इसका लेवल कितना है एक चीज देखना पड़ेगा गाइस मुझे, इसका हेल्थ बार कितना है ठीक है। ओ गाइस 2.5 मिलियन है 509 लेवल में, ठीक ही है गाइस ठीक ही है। एंड पावर डाउन है जैसे कि देख सकते हो, पावर डाउन है तो इसको पावर अप भी कर सकते हैं। एंड गाइस ये ड्रैगन को भी स्पॉन कर सकता है ठीक है, ये ड्रैगन को भी स्पॉन कर सकता है। और एक चीज़ देखना है क्या ये, एक मिनट उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट यार क्या हो रहा है यार। ऑलराइट गाइस अभी एक चीज़ देखेंगे, देख सकते हो गाइस इसका तो ऑलरेडी लेवल अप दिखा रहा है ठीक है। तो इसको आराम से बहुत 2000 लेवल तक मैं लेके जा सकता हूँ ठीक है। तो चलो इसका राइड भी लेकर के देखते हैं, इसका पावर भी देखेंगे वहाँ पे, देख सकते हो। ओ डेमोनिक मंकी के साथ हम लोग पंगा नहीं ले सकते ठीक है, क्योंकि वो डेमोनिक प्रजाति का है एंड डेमोनिक प्रजाति के मंकीज बहुत ज़रा स्ट्रांग होते हैं ठीक है। ओके गाइज हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, अभी इसका ताकत देखते हैं, चलो इसका ताकत देखते हैं एक एक करके ताकत देखेंगे ठीक है। तो इससे तो बाइट होता है, इससे तो नॉर्मल वाला बाइट है, और इससे गाइस देख सकते हो गाइस इससे वही ब्रेथ, गाइस रेक्स के पास भी यही ब्रेथ है। ओके गाइस एक्स से जेड से कुछ नहीं कर रहा, एक्स से कुछ कर रहा है गाइस, एक्स से कुछ कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है मालूम नहीं चल रहा। अच्छा रोड है गाइस, ये तो नॉर्मल रोड है ठीक है। और सी से, ओके गाइस सी से देख सकते हो। ओ गाइस ये अटैक थोड़ा सा मुझे अर्जेंटिफेस जैसा लग रहा है, अर्जेंटिफेस के पास भी ऐसा अटैक है। कंट्रोल सी से क्या करता है? ओके कंट्रोल सी से गाइस देख सकते हो, कंट्रोल सी से अपने आप को पावर अप कर लेता है। ओके आई एम गेटिंग इट। और कंट्रोल एक्स से ये रोड है, दोबारा से रोड ही है गाइस देख सकते हो। और कंट्रोल जेड से गाइस आप लोग को एक चीज़ कमेंट करना पड़ेगा कि गाइस ये ड्रैगन कैसे समोन करेगा गाइस, क्योंकि इसने तो बहुत सारे सेलेस्टियल वेब्रेंस को स्पॉन कर दिया था, फिर अर्जेंटिविस को भी स्पॉन कर दिया था। ये अगर ड्रैगन्स को स्पॉन करेगा तभी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ना गाइस, तभी और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस आप लोग ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बोलिएगा ठीक है। एंड गाइस देख सकते हो गाइस ये तो एक रैक्स ही है, रैक्स का प्रजाति है, लेकिन गाइस ये काफ़ी बड़ा है यार, रैक्स से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है देख सकते हो, कई गुना ज़्यादा बड़ा है गाइस। तो गाइस फाइनली हमने एक इंडोनेस रेक्स को पकड़ लिया। और एक चीज़ दिखाना है गाइस वीडियो को एंड करने से पहले, देख सकते हो गाइस मैंने एक अल्फा टाइटनोबुआ को भी पकड़ लिया है, एंड इसके ऊपर हम लोग राइड ले सकते हैं। क्या आप लोग सांप से डरते हो गाइस? अगर आप लोग को सांप से डर लगता है तो ये मत देखो गाइस, लेकिन देख सकते हो गाइस ये टाइटनोबुआ तो काफ़ी बड़े होते हैं यार, काफ़ी बड़े होते हैं गाइस देख सकते हो, और काफ़ी खतरनाक होता है। कैसे अटैक करते हैं देख सकते हो गाइस, खटाक से अटैक करते हैं ये देखो। तो गाइस मैंने अल्फा टाइटन वो भी पकड़ लिया, और एक चीज़ दिखा देता हूँ गाइस, और एक चीज़ दिखाई देते हैं, और वो चीज़ ये है गाइस एक हेलोइन रेक्स। एंड इसका हेल्थ बहुत ज़रा कम है क्योंकि मैंने इसको मारा था गाइस, इसका हेल्थ रिफिल करना पड़ेगा। ये एक हेलोइन वर्जन रेक्स है ठीक है, ये एक टीरेक्स ही है, बट गाइस दिस इज़ अ हेलोइन वर्जन वन ठीक है, ये एक हेलोइन वर्जन है। एंड थोड़ा सा वेनम जैसा दिखता है ना गाइस, देखो यहाँ से देखो वेनम का आँख जैसा दिखता है। ओके गाइस एंड ये है गाइस स्केलेटन ब्रोंटोसोरस। तो गाइस यही है अपने टीम में, और एक चीज़ को मैंने पकड़ा था उसको भी निकाल देते हैं, अल्फा डोडो को नहीं, कैलिस्टोडा हंटर ठीक है। ये काफ़ी औसम चीज़ मैंने पकड़ लिया था आज। और तू जमीन के अंदर क्यों घुस गया भाई? अच्छा इसका राइड भी तो ले सकता हूँ, इधर रह तू। यस गाइस तो मेरे पास अभी एक बॉस है, मैंने दो तीन बॉस को पकड़ लिया। और एक चीज़ जैसे कि मैंने गाइस आप सभी भाइयों से बोला था कि आज वीडियो को एंड करने से पहले एक झलक दिखाने वाला हूँ जुरासिक पार्क का, तो चलो दिखाते हैं जुरासिक पार्क का एक छोटा सा झलक। अरे वाह ये तो क्या बना रहा है यार बोल। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था मैं कुछ बहुत स्पेशल कर रहा हूँ आप
लोगों के लिए। अगर मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो तुरंत मैं आप सभी भाइयों को ये चीज दिखाने वाला हूँ। अरे दिखा दे, थोड़ा सा झलक तो दिखा दे। तो गाइस आप लोग अभी देखने वाले हो जुरासिक आर्क। टे 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 देख सकते हो गाइस, ये है जुरासिक आर्क का गेट। अंदर क्या है, अंदर क्या है, प्लीज दिखाना। तो गाइस एक छोटा सा झलक दिखाने वाला हूं। अभी तो देख सकते हो यहाँ पे वाल वाल है नहीं, यहाँ पे मैंने डायनासोर्स तो बना लिया है लेकिन यहाँ पे हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? क्योंकि मैं तेरे को दिखाता हूँ क्यों। चलो गाइस दिखाते हैं क्यों। मेरे को भी डर लग रहा है, ये दरवाजा अभी नहीं खोलना चाहिए, बट गाइस मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 गो। यहाँ पे क्यों आए हो? अरे ये कौन है यार? ये है मिनेटोर। मिनेटोर?